तो गाड़ी का अभी देते हैं कॉल स्टार्ट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होगा और मस्त होगा। उसका टॉपिक है तो बहुत ही एक केजी वाला टॉपिक होने वाला है। मन से अच्छे से वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत वीडियो बना के छोड़ दे रहा था। 7-8 दिन मतलब ऐसे ही चले जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऐसी हो गया था तो वीडियो नहीं आ रहा था घर में। तो ऐसे कंटिन्यू हो जाऊंगा आपसे। और आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही केजी वाला वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो स्किप मत करके देखना, पूरा केजी वाला वीडियो है आज का। इतना दिन क्यों मैं वीडियो नहीं आ रहा था मेरे चैनल में, 7-8 दिन हो गया क्यों नहीं वीडियो आ रहा है। आप लोगों के सारे बात वगैरह शेयर करूँगा आज के टॉपिक में। तो गाइस आज से आप लोगों के लिए कंटिन्यू हो। तो गाइस आप सोच रहे होंगे तो मैं ऐसे रास्ते में आके क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखो आजकल जो ट्रेंडिंग में उठता है ना, मतलब ऐसे बड़ा बड़ा क्रिएटर से आप लोग इंप्रेशन होके के देखो, आप लोग तो किसी से सीख के नहीं आए थे ना, टाग के पास से आप लोग काट मार रहे हो। ओके, कोई भी गाड़ी है उसका मिडिल से आप लोग गाड़ी को निकाल रहे हो। आप लोग सोच रहे हो बहुत एक कुछ कर लिया हम। मैंने को ऐसे आप लोग जो करते हो ना, इसी टाइम इसी ड्राइवर आके आप लोगों को साइड चाप दे तो मतलब बाइकर क्या ही कर सकता है। ऐसे बहुत सारे मतलब आंखों के सामने देखा हूँ। इस छोटी सी लाइफ में मैं बहुत कुछ देख लिया, जो मैं भी मतलब 7-8 दिन से क्यों नहीं वीडियो आ रहे थे आप लोगों के लिए। मतलब ऐसे ही मैं गया था हाईवे में राइड करने के लिए, तो मैंने सामने देखा टाक के मिडिल से निकल रहा था एक बंदा, ठीक है। मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था उस टाइम। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे 7-8 दिन से क्यों नहीं वीडियो बना रहा हूँ। मैं हाईवे में एक दिन राइड कर रहा था, राइड करते करते दोनों गाड़ी था, टाक था और उसके मिडिल से एक बंदा बाइक लेके निकल रहा था, और वो भी राइड कर रहा था सुबह में। तो मैंने देखा जब टाक के मिडिल से घुस रहा था, दोनों बंदे ने एक साथ दूसरा जो गाड़ी आ रहा था पीछे से उसको लेन से साइड देने गया, और दोनों टाक था, मिडिल से बाइक निकल रहा था, टाक ड्राइवर साइड से पूरा क्रॉस कर दिया था, चाप दिया था उसको, पूरा बाइकर पूरा गया टाक के जो चक्का होता है चक्के के नीचे चला गया आंखों के सामने। ये देख के भाई पूरा टोटली डेथ हो गया था, मतलब स्पॉट में ही डेथ हो गया था। और मैंने उस टाइम उधर ही मतलब देखा, ठीक है, मेरे पास वीडियो क्लिप था, ठीक है, वो डिलीट कर दिया क्योंकि ऐसे वीडियो तो यूट्यूब में नहीं अपलोड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने देखा वो जो वीडियो था, मैंने देखा आंखों के सामने भाई मेरा एक दोस्त था वो चला गया, ठीक है। ये सब क्या होता है, ट्रेंडिंग देख के ये सब करते हो, क्योंकि देखो आप लोग भी तो आप लोगों को भी तो पता नहीं है ना आप लोगों की, आप लोग शायद ये सब करते हो, मतलब ऐसे बाइक लेके निकलते हो। आप किसी ना किसी जगह में देखा हो तभी ना कर रहे हो, टाक के साइड से काट मार रहे हो, मिडिल से निकाल रहे हो, ये सब ट्रेंडिंग ही पार्ट है भाई। किसी ना किसी बड़ा बड़ा यूट्यूबर से आप लोग इंप्रेशन होके ये सब मतलब करते हो और करके सोचते हो बहुत। मैं भी बाइकर हूँ भाई, ऐसे नहीं है जो मैं नहीं करता था। पहले मैं भी बाइक खरीद के मैं भी करता था, उसके बाद आंखों के सामने छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया आप सामने से। तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, ये देखो बड़ा बड़ा क्रिएटर कुछ भी कर लेता है, और हम लोग नया नया बाइक खरीद के जो जो नया नया मोटो ब्लॉग है वो नया नया खरीद के क्या वीडियो का व्यूज़ के चक्कर में ये सब ट्रेंडिंग रील्स बहुत अच्छे लगता है देख के। देखो रिस्क में आप लोग वीडियो बनाओगे उतना पब्लिक लाइक शेयर फॉलो करेगा, व्यूज़ भी आएगा बहुत, बट आपका लाइफ है, लाइफ को देखो, पीछे फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली है, तो फैमिली में क्या बीत रहा है होगा आप लोग नहीं सोच पाओगे। आपका कुछ हो जाए तो जिसका होता है उसको भी मालूम होता है जो फैमिली का क्या कंडीशन चलता है उस टाइम। तो गाइस आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, ये सब मत किया करो। मैं भी मतलब उस दिन हाईवे में राइड कर रहा था सुबह का, तब था 6 से 7 बजे, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। तो उस टाइम राइड कर रहा था, जाते जाते ही कैमरा मतलब ऑन ही नहीं किया, एक बार भी कैमरा ऑन नहीं किया,
आंखों के सामने देखा एक्सीडेंट हो गया भाई, मतलब आंखों के सामने स्पॉट डेड, पूरा चक्के के नीचे चला गया था दोस्त। मतलब राइड में हम लोग जब राइड कर रहे थे, साइड से गया, बातें वगैरह किया, बोला कहाँ जा रहे हो, मैं बोला थोड़ा राइड करने के लिए जा रहा हूँ। उसी दिन साइड से गया, बोला वो बोलता है चलो एक साथ राइड करते, बोला मैंने बोला चलो राइड करते एक साथ, क्या बात है, राइड ही तो होगा, बहुत मस्त होगा। और बोल के भाई क्या सीन बन गया मेरा कोई मालूम है। उसी दिन मतलब डायरेक्ट हॉस्पिटल भेजा, हॉस्पिटल में गया, उधर ही बोला बहुत पहले ही डेथ हो चुका है, क्या कर सकते। तो गाइस उस टाइम ना बहुत बंदे का बहुत ही कोशिश किया था हेल्प करने के लिए, डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने उस टाइम ही बोल दिया था बंदे का डेथ हो चुका है। और उसके बाद एक घंटे बाद कुछ उसका दोस्त कॉल किया था मेरे को, कॉल करने के बाद कॉल रिसीव किया, रिसीव करने के बाद मैंने बोला आप उसका फैमिली के बोल दो ये वाला हॉस्पिटल में हूँ, अब लोगों को मेंशन नहीं करूँगा, ये वाला हॉस्पिटल में है तो आप आ जाओ। कॉल किया, बोला क्या हुआ, बोला थोड़ा एक्सीडेंट हुआ आप आ जाओ, तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है, तो एक्सीडेंट हुआ उसको अंदर एंट्री कर दिया, तो आप आ जाओ, आप लोग आ जाओ, बोल के मैं गाड़ी लेकर वापस आ चुका था। देखो घूम रहा है, देखो ये भी देखो, गाड़ी का काम किया, इसलिए बाहर मतलब शोरूम वाले भी क्या होता है भाई, काम किया, ऐसे किया, लंकी को निकलते पकड़। मैंने मोटो ब्लॉग बहुत पहले से देखता था, 2-3 साल से मैं देखता था, उसके बाद 1 साल पहले मैं मोटो ब्लॉग स्टार्ट किया। जब मैं मोटो ब्लॉग देखता था तब सुपर बाइक नहीं होता था, तो अभी जो वेस्ट बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल के हर संडे इतना सुपर बाइक आता है भाई, इतना मतलब देख के 40 लाख 50 लाख इतना ज़्यादा सुपर बाइक आता है ना, अब लोगों के साथ क्या ही बोलूँ। बहुत सारे वेस्ट बंगाल में सुपर बाइक हो गया, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हर स्टेट में सुपर बाइक नहीं है, दिल्ली में भी बहुत सारे सुपर बाइक देखा हूँ वीडियो में, बहुत सारे सुपर बाइक आता है, इतना ज़्यादा सुपर बाइक का केस कैसे आया, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे ट्रेंडिंग किसी बड़ा क्रिएटर ने आमिर माजी इतने ट्रेंडिंग को ले आया मोटो ब्लॉग, ठीक है, साथ सुपर बाइक हुआ, ये सब सुपर बाइक का केस भी आया थोड़ा सा धीमे, सुपर बाइक का केस आया, सुपर बाइक इतना सारा सुपर बाइक देख रहा हूँ वेस्ट बंगाल में, मतलब हर संडे तो 20 से 25 सुपर बाइक आता ही आता है, एक एक का कॉस्ट 40 लाख से 50 लाख का ऊपर होता है। और दिल्ली में भी मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब दूसरा स्टेट में नहीं है तो दूसरा स्टेट में भी बिहार साइड में दिल्ली का एक ग्रुप में हूँ, बिहार का ग्रुप में हर स्टेट में हर संडे दिल्ली का हर स्टेट में हर मतलब हर अलग अलग स्टेट में बिहार बोलो, पटना बोलो, यूपी बोलो, बहुत सारे मतलब दिल्ली में सबसे ज़्यादा सुपर बाइक देखा हूँ, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा देखा हूँ सुपर बाइक को, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दूसरा स्टेट में सुपर बाइक नहीं है, सुपर बाइक है, बट उधर भी राइड का केस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, ठीक है, और राइडिंग भी बहुत सारे हो रहा है, क्यों ना ऐसे ट्रेनिंग आ गया मोटो ब्लॉग करना है सबको, और जिधर में जाओ उधर मोटो ब्लॉग चल रहा है अभी। तो गाइस ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, खा लेते हैं थोड़ा बहुत, अच्छा बढ़िया एकदम मस्त भाई, अभी इधर खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ा फटाफट इधर से निकलेंगे।